ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान पीसीबी का पकड़ के गड्ढा बजा दिया। मतलब जो जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है ना, उसके लिए कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मान रहा, मीडिया राइट्स नहीं बिक रहे पीसीबी के। आप अंदाजा लगा लो कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज है ना, जो अक्टूबर में खेली जाएगी सर, उसके लिए कोई भी ब्रॉडकास्टर रेडी नहीं हो जो रहा। वीडियो है वो चलती रहे वैसी स्मूथली, नहीं जैसे पाकिस्तान क्रिकेट स्मूथली चले जा रही है, यानी खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतना चर्चा चैंपियंस कप और चैंपियंस कप की परफॉर्मर्स और चैंपियंस कप के ये परफॉर्मर वो परफॉर्मर। अच्छा जी चलो फॉर्मेट अलग है, इंग्लैंड आ गई, और अब जब इंग्लैंड टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस होता है तो आपको कोई ऐसे मेजर चेंजेस दिखते ही नहीं है जिनका इम्पैक्ट स्क्वाड पर पड़ा हो। आप इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स और इंटरनेशनल फैंस ने पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट कर दिया है। अब ये न्यूज़ जो मैं आपको देने जा रहा हूं ना, सुनने के बाद आपको कम से कम ये यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट इतना नीचे गिर चुकी है ना कि शायद यहां से उठने के लिए बहुत ही बड़ी मेहनत लगेगी। अब मैं आपको जो न्यूज़ देने जा रहा हूं वो आप सुने। पाकिस्तान और इंग्लैंड की एक सीरीज आने वाली है जो कि पाकिस्तान में ही होनी है, इसको कोई भी मीडिया राइट्स देने के लिए तैयार और नहीं अब है। आप ये देखो कि यार ये कितनी बड़ी सीरीज है, मतलब हाँ इंग्लैंड एक बड़ी टीम है और पाकिस्तान में टूर कर रही है, ठीक है, और कोई मीडिया राइट्स देने को तैयार नहीं है, मतलब ठीक मीडिया है। राइट्स से मुराद ये कि हमारे हमें कवरेज देखने को नहीं अब जो मिलेगी। तुम मुझे हमेशा बोलती हो ना कि यार क्या यहाँ पे इस वजह से तो नहीं हो रहा चैंपियन ट्रॉफी के भाई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन अब इस बात पे मैं जरूर बोलूंगा कि मीडिया राइट्स का जो मना किया गया ना वो सिर्फ एक वजह से मना किया गया, वो है परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेरे भाई। अच्छा क्योंकि यार पब्लिक देख ही नहीं रही है, मीडिया राइट्स वाले पागल तो है अच्छा नहीं हाँ कि स्पॉन्सर किस तरह भाई। से, मतलब हम लोग कमाएंगे भाई या एक बात है हाँ ना, जब स्पॉन्सर कोई देता है या ब्रॉडकास्टर राइट्स कोई अपने देता है तो वो इसी वजह से देता है कि तो यार उसको प्रॉफिट प्रॉफिट आएगा। होगा। अब हाँ उसको तो बोल रहा है यार नुकसान हो रहा है ये, वो भाई उसमें कोई थोड़ी ना, भाई पाकिस्तान टीम और उसकी अपनी लाइव थोड़ी ना मैच है, दिखाने में काफी ज्यादा पैसा भी बहुत लगता ज्यादा है। लगता है। हाँ हकीकत है वो हमें ऐसा लगता है कि यार वो कैमरे फिट कर दिए या कर दिए, बेटा ऐसा होता नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे लगते एक्सपेंसिव हो हैं। जाता है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज के कोई मीडिया राइट्स लेने को तैयार नहीं है, और अब पीसीबी वो मीडिया राइट्स जो है ना वो फ्री में एक तरह से बेचेगा, जैसे 100 रुपये की चीज़ के 2 रुपये में बेच देना, वो इस वजह से कि भाई ब्लैक में ना बिके। तमाशा चेक कर लो पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ खड़ी है और इंडिया की क्रिकेट कहाँ चली गई है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करें। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। गाइस जैसा कि हम जानते हैं अक्टूबर में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज होने वाली है, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कोई भी ब्रॉडकास्टर इसके मीडिया राइट्स लेने को तैयार नहीं है। अब आप सोचो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रही है और कोई भी ब्रॉडकास्टर मीडिया राइट्स नहीं ले रहा, ये कितनी बड़ी बात है और पाकिस्तान के लिए कितनी शर्मनाक बात है। तो भाई पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। देखो पहले से ही हम जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत खराब है, उसके पास पैसा नहीं है, और अगर इस सीरीज के मीडिया राइट्स नहीं बिकते हैं तो पाकिस्तान को करोड़ों का लॉस जाएगा, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है कि भाई ये क्या हो गया, और ये सब हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। क्योंकि अभी बांग्लादेश से हारे, इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इनसे भी नहीं जीते, घर में हारे, तो आप कोई भी इनका मैच नहीं दिखाना चाहता और इंग्लैंड वाले खुद इनका मैच नहीं देखना चाहते। तो मैं कुछ पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो लेके आया हूं, पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। पुरानी खबर है बेसिकली, काफ़ी टाइम से खबर चल रही है पाकिस्तान इंग्लैंड की, मीडिया राइट्स इंग्लैंड में कोई लेने को तैयार नहीं है, बट अब तो जो खबर आई है कि अब तक किसी ने नहीं लिया है। आज आप चेक करो क्या डेट है और पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ के आगे टाइम कितना है। ब्रॉडकास्टरों को तो अपने प्रोमो चलाने होते हैं, यहाँ मैच आएगा वहाँ मैच आएगा। अरे भाई इंग्लैंड की पब्लिक टेस्ट क्रिकेट की दीवानी है, आपको पता ही है कि जब टीमें इंग्लैंड में जाती हैं टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं वो कितने दीवाने होते हैं, वो कैसा अप्रिशिएट करते हैं, उनमें एक रियल प्यार है। अगर ये टेस्ट क्रिकेट आज जिंदा है ना तो इंग्लैंड में जो क्राउड आता है उसी की वजह से जिंदा है, ऑस्ट्रेलिया में जो क्राउड आता है उसी की वजह से जिंदा है, फिर इंडिया भी आता है तीसरे नंबर पर, इंडिया में भी जो टेस्ट क्रिकेट देखने को क्राउड आता है उस वजह से जिंदा है, बाकी पाकिस्तान इवन न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका यहाँ कोई टेस्ट मैचेस देखने को उस तरह से नहीं आता, अनलेस दो बड़ी टीमें आपस में राइवलरी वाली ना खेल रही हो। तो भाई टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने वाले मुल्क में कोई पाकिस्तान, जिसमें बाबर आजम खेल रहा है यार, वो जिसमें शान मसूद खेल रहा है, जिसमें सरफराज रिजवान साउद शकील शाहीन शाह अफरीदी और बाकी सारे हमारे बॉलर्स हैं,
दे आर नॉट इंटरेस्टेड यार, मतलब वो टीवी राइट्स को ही नहीं ले रहा यार। और अब मजबूरन मैंने आपको इंटरव्यू में बताया कि वो ब्लैक हो जाएंगे, पीसीबी अब किसी को राइट्स नहीं देता पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के, तो वह फिर ब्लैक हो गए, तो ब्लैक होगा तो फिर रोला मचेगा, मतलब फिर तो कुछ भी नहीं आना, अब 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेचनी पड़ेगी इस वजह से। अब बात यह है ना, मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड की सीरीज़ अनाउंस हुई ना पाकिस्तान के खिलाफ, हो जो उनका बर्मी आर्मी पेज है इंस्टाग्राम पे, मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा देखूं इनकी क्या एक्साइटमेंट है, क्योंकि लास्ट बार जब से इंग्लैंड पाकिस्तान आया था मैं खुद गया था मैच देखने, पिंडी वाला मैंने मैच देखा था, मैं पागल हो गया था यार, गोरे इंग्लैंड से इतने ज़्यादा मैच देखने आए, मैं यकीन मानो मेरा ज़िंदगी का बेस्ट इवेंट था, मैंने PSL के मैच देखे हैं, मैंने इंटरनेशनल मैच देखे हैं, मेरे करीब पिंडी का ग्राउंड पड़ता है, तो मैं पिंडी में तो कोई मैच मिस भी नहीं करता, बट इस बार बांग्लादेश का मैंने मिस किया, मैं ग्राउंड गया मुझे मॉल ही नहीं लगा यार, सुनसान रोड यार ग्राउंड पे, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करूँ, मैं वापस आ गया, मैं टेस्ट मैच से पिछले दिन वापस आ गया, घर वाले कहते हैं भाई तुम तो टेस्ट मैच देखने गए थे वापस क्यों आ गए, मैंने कहा वापस आ गया कोई माहौल ही नहीं है, लोग ही नहीं है, क्राउड ही नहीं है, एक्साइटमेंट ही नहीं है, मैं क्या वहाँ जाऊँ, जबकि इंग्लैंड वाली सीरीज में माहौल था कि घोरे आते जाते घूमते फिरते बर्मी आर्मी जा रही है आ रही है, क्रेज़ बना हुआ था। अब उन्होंने देख लिया पाकिस्तान टीम के पास क्या है ऑफ़र करने को और पाकिस्तान में किस तरह की पिचें हैं। बात आपको बर्मी आर्मी की कर रहा था, वो बर्मी आर्मी के पेज पे मैंने देखा वो नीचे गालियां दे रहे थे अपनी टीम को, वो कह रहे थे तुम लोग इंडिया को तो इंडिया में हरा नहीं सकते, तुम लोग पाकिस्तान में जब तुम लोगों की परफॉर्मेंस बुरी होती है तुम लोग पाकिस्तान चले जाते हो, वहाँ उनको हरा के बोलोगे जी हमारा बेसबॉल और हम बड़ी अच्छी टच की टीम है, हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दिया। दे आर लिटरली अब्यूसिंग देयर टीम ECB, भाई क्या फजूल मुल्क में जा रहे हो जहाँ की पिछे अच्छी नहीं है, जहाँ की टीम थर्ड क्लास किस्म की है, और वो हक बजाने पे जब WTC में हम आखिरी नंबर पे होंगे तो क्यों इंडियन मीडिया इंटरेस्टेड होगा पाकिस्तान की सीरीज में। अब इंग्लैंड टीम को जब ये बात पता लगेगी, मतलब पता ये लगेगी पता लग गई होगी ठीक है, तो वो खुद बोलेंगे कि यार हम कौन से मुल्क में खेलने जा रहे हैं, जो वो जब मतलब जो मुल्क ये तो आयरलैंड में नहीं हुआ हमारे साथ, ये जिम्बाब्वे में, मतलब जो मुल्क अपनी ही टीम को मीडिया राइट्स नहीं दे रहा हम उस मुल्क में खेलने जा रहे हैं, और ये चीज जब ICC को पता लगेगी तो आप देखो चैंपियन ट्रॉफी कितनी इफेक्ट होगी इस चीज से, कि यार अगर ICC बोल रहा अगर हमें चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे दे दी तो मीडिया राइट्स कहाँ से आएंगे भाई, क्योंकि जिस मुल्क में अगर सीरीज होती है और जिस मुल्क में टूर्नामेंट होता है उसी मुल्क की जिम्मेदारी होती है, उसी मुल्क के स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है कि भाई आप मीडिया राइट्स कमा कर भी दें और कमा कर भी दें। और अब देखो मतलब बहुत ज्यादा, और देखो एक टाइम था कि पाकिस्तान टीम को भी स्पॉन्सर की कोई जरूरत नहीं थी, इतने आ जाते थे यार क्योंकि परफॉर्मेंस। अच्छा ये वैसे मुझे लग रहा है कोई साजिश है, वो ये साजिश है कि भाई आवाम जो है ना मैच देखने लाइव आ जाए। भाई देखो कोई साजिश नहीं है, कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं, लाइव क्राउड नहीं पहुंच रहा है स्टेडियम से। एक बात है ना, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बोलता हूँ, लाइव अगर चलो उनकी साजिश अगर मान ली जाए कि भाई स्टेडियम भरने के लिए साजिश कर रहे हैं, कितना क्राउड आ जाएगा यार, 30-35 हजार कैपेसिटी है रावलपिंडी स्टेडियम की, 25-30 हजार उसकी है मुल्तानी स्टेडियम की, तो ये 25-30 हजार लोगों में कितने पैसा कमा लेंगे, आप सोचने की बात है ना। आप जो असली माल और असली पैसा कमाते हो ना वो दिमाग कमाते हो व्यूअरशिप से हो भाई। आपको मालूम है कि पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू होने जा रही है 7 अक्टूबर से, यानी कि अभी कोई 2 वीक का टाइम जो है बाकी है सीरीज को शुरू होने में ठीक है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है ना वो नहीं बिके हैं भाई, किसी भी इंटरनेशनल कंपनी ने पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इंटरनेशनल जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो लेने से इनकार कर दिया है। 2 वीक का टाइम बाकी है लेकिन अभी तक किसी ने भी जरा भी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया है, ना फैंस ने और ना ही जो है किसी कंपनी ने। हालांकि इंग्लैंड में भी पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज है ना वो आप नहीं देख सकेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा जो अभी तक चल रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो फैंस हैं इंटरनेशनल या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अब पाकिस्तानी टीम को बड़ी टीम नहीं समझते हैं, वो अब पाकिस्तानी टीम को एक छोटी टीम समझते हैं, जैसे वो इससे पहले जिम्बाब्वे कीनिया और बांग्लादेश वगैरह को समझते थे ना, ऐसे ही अब वो पाकिस्तान की टीम को समझते हैं। तो गाइस फाइनली वीडियो खत्म हो गए और आपने पाकिस्तानी मीडिया को सुना, देखो मैं उस्मान भाई की बातों से अग्री करता हूं, वो इंग्लैंड जहां भाई क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज्यादा देखा जाता है, अगर सच में टेस्ट क्रिकेट जिंदा है तो इंग्लैंड की वजह से। आपने देखा होगा जब भी इंडिया या इंग्लैंड या किसी भी टीम से इंग्लैंड में मैच होते हैं भाई स्टेडियम पैक होता है और इंग्लैंड वाले बहुत ज्यादा चीयर करते हैं टेस्ट क्रिकेट को, अब वो इंग्लैंड की
जनता टेस्ट पाकिस्तान के साथ अपनी टीम को खेलते हुए देखना नहीं चाह रही है। ब्रॉडकास्टर भाई नहीं ले रहे हैं मीडिया राइट्स, तो अब सोचो कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां पे खड़ी है, जो देश क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के लिए इतना दिलचस्पी दिखाता है, सबसे आगे रहता है, वहीं लोग अगर टेस्ट क्रिकेट को नहीं देख रहे। और जैसा कि उस्मान भाई ने बताया है कि वहां की जो बर्मिंग आर्मी है वो भाई अपनी टीम को गालियां दे रही है और देना बनता भी है। यार आप एक चीज बताओ, अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच चल रहे हैं भाई, कितना क्राउड आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है दोनों टीमें टक्कर की हैं, लेकिन आप पाकिस्तान से टेस्ट खेलते हो, उन्हें पता है कि पाकिस्तान यार उस तरह से परफॉर्म नहीं करता, अपने घर में ही आ जाता है, तो कौन इतना बोरिंग मैच देखना चाहेगा। तो सबसे पहले अगर पीसीबी को अपने बोर्ड को बचाना है तो भाई प्लेयरों को परफॉर्म करना होगा, अपने घर में जीतना पड़ेगा। अभी आप इंडिया को देख लो, इंडिया 12 साल से होम सीरीज नहीं आ रहा और उसके मीडिया राइट्स सबसे हाई बिकते हैं, सबसे हाई जाते हैं। तो यही अंतर है पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में, और ये पाकिस्तानी इंडिया से अपनी क्रिकेट को कंपेयर करते हैं, जबकि कंपेयर तो कहीं बनता ही नहीं है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आप इस पर क्या कहना चाहोगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूं जल्दी एक और न्यू वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।